Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 3, Integration, और उसकी exercise है 3.1. लेकिन इस lecture में मैं पहले exercise को start करने से पहले मैं एक छोटी सी statement को देखना चाहूँगा जो इस exercise में use भी होगी, ठीक है? तो उस statement को पहले देख लेते हैं. तो उस statement का ताल्लुक उसी graph से है जो हमने पिछले lecture में देखा, ठीक है, जिसमें हमने डिस्टिंग्विश किया था या डिफरेंस देखा था डी वाई और डेल्टा वाई के दरमियान. तो वो मैं ग्राफ जल्दी से बना लेता हूँ. यहाँ पर पहले हमने एक्स वाई प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक आया था ग्राफ, यानी कि इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया था. फिर उस पर हमने एक पॉइंट लिया था पी पॉइंट, और पी पॉइंट से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी और इसका नाम हमने रखा था एम. इसी तरह से क्यू पॉइंट था. इस ग्राफ को थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ. यानी कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इस तरह से ये ग्राफ है, ठीक है. तो इस पर हमने पी पॉइंट लिया, सपोज ये पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट दिया, ये क्यू पॉइंट है, दोनों से वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ की थी, ये वर्टिकल लाइंस आ गई. इसका नाम एम, इसका नाम एन, ठीक है, और ये पॉइंट पी और ये पॉइंट है क्यू. इनके कोऑर्डिनेट्स एक्स और एफ ऑफ एक्स, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमने लिए थे एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है. तो उसके अलावा यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, फिर यहाँ से भी क्यू पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, फिर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी. टेंजेंट लाइन में बना लेता हूँ, ये है इस तरह से, सपोज ये टेंजेंट लाइन है जी, ठीक है. तो ये हमारे पास जो था डिस्टेंस, ये डेल्टा वाई था, और ये डिस्टेंस जो था यानी कि अगर इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखें तो ये हमारे पास बनता है डी वाई, ठीक है, ये डेल्टा वाई और ये डी वाई. आप देखें अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रोच करें ज़ीरो, यानी कि डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई करें, अगर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो क्या होगा. मैं बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ ये मैं लिख रहा हूँ. देखें हम ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रोच करें ज़ीरो की तरफ तो क्या होगा, मतलब कि ये डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा तो ये एक्स के इक्वल आ जाएगा तकरीबन, ठीक है, यानी कि ये वापस आता जाएगा इस तरह से एक्स की तरफ, ठीक है. जब ये एक्स की तरफ आता जाएगा तो उसके साथ साथ वाई यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, इसमें भी डेल्टा एक्स है, ठीक है, तो ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता जाएगा, मतलब कि इसके इक्वल आता जाएगा यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है. ये एक्स को अप्रोच करेगा ये वाली, ठीक है, और अगर यहाँ से देखें ये है तो ये एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, इस पॉइंट के करीब करीब यानी कि पी पॉइंट की तरफ वापस आता जाएगा ये क्यू पॉइंट, यानी कि क्यू पॉइंट पी पॉइंट के बहुत करीब हो जाएगा. जब ये बहुत करीब हो जाएगा क्यू पॉइंट पी पॉइंट के तो क्या होगा, डेल्टा वाई और डी वाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये दोनों आपस में तकरीबन तकरीबन इक्वल हो जाएंगे. ये देखें यहाँ पर आके पहले तो चलें यहाँ पर तो टेंजेंट का राइज आप देखें, टेंजेंट लाइन का राइज और ग्राफ का राइज देखें, ठीक है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको. लेकिन आप पी पॉइंट के करीब जैसे ही आते जाएँ यहाँ से आप देखें तो ये टेंजेंट लाइन और इस ये मैं पॉइंट चले इसको मैं इस तरह से रेड लाइन से बना देता हूँ. इस इन दोनों पॉइंट्स को आप देखें, ये मैंने पॉइंट वैसे ही ड्रॉ किया है, ठीक है, ये यानी कि पी पॉइंट के बहुत करीब है. अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रोच करें ज़ीरो की तरफ तो ये तकरीबन यहाँ पर अगर पी पॉइंट आता है क्यू पॉइंट आता है तो क्या होता है कि टेंजेंट लाइन और ग्राफ के राइज में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं रह जाता. और मज़ीद कम करें यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, ये बिल्कुल तकरीबन इक्वल हो गया राइज, ठीक है, और इसी तरह से पी पॉइंट के यानी कि करीब करीब आते जाएँ तो टेंजेंट लाइन का राइज और इस ग्राफ का यानी कि फंक्शन का राइज जो है वो तकरीबन इक्वल बन जाता है. तो यहाँ से फिर हम कहेंगे कि अगर हम लिमिट को अप्रोच करें तो डेल्टा वाई और डी वाई बहुत क्लोज हो जाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, तो क्या हो रहा है जी, तो हो ये रहा है कि डेल्टा डी वाई जो है वो तकरीबन कॉन्ग्रेंट हम उसे कहेंगे, ठीक है, तकरीबन तकरीबन इक्वल हो जाता है डी वाई में, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तकरीबन तकरीबन, एग्जैक्टली इक्वल मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने ये साइन यूज़ किया, ठीक है। तो डेल्टा वाई हमें पहले से पता है किसके इक्वल है, डेल्टा वाई किसके इक्वल है, डेल्टा वाई हमने देखा था इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, वो इक्वल था एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल था, और किसके इक्वल था, और हमने ये भी देखा था कि डेल्टा वाई जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, अगर डेल्टा एक्स चेंज की बात करें इंटू एक्स, यानी कि एक्स में डेल्टा एक्स की चेंज की बात करें तो ये डेल्टा वाई इसके इक्वल है, अदरवाइज डेल्टा वाई इसके भी इक्वल है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। उसके अलावा इस स्टेटमेंट से हम ये देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई के, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई के। अब जैसा कि हमने देखा कि डेल्टा वाई और डी वाई आपस में तकरीबन तकरीबन इक्वल हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के, ठीक है। जब ये डी वाई इसके इक्वल है तो डी वाई हमें पता है किसके इक्वल है, डी वाई फिर इक्वल है, मतलब कि ये कॉन्ग्रेंट होगा ना, एक्चुअली तो ये डी वाई के इक्वल होता है, ठीक है, और डेल्टा वाई के केस में क्या होता है प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स आता है, ठीक है, तो मतलब कि हमने इसको कॉन्ग्रेंट, अगर डी वाई और डेल्टा वाई आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो ये केस होगा, और डी वाई की जगह हम ये फिर वैल्यू यूज़ करेंगे, मतलब कि ये फिर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई की वैल्यू क्या होती है एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स डी एक्स या डेल एक्स, ये भी आप कह रहे हैं, ठीक है। ये उस केस में जब डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, अदरवाइज डेल्टा वाई और डी एक्स जो है, डेल्टा वाई और डी वाई दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, दो डिफरेंट डिस्टेंस हैं या दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, यानी कि जब ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, तो जब ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ग्राफिकली भी मैंने आपको समझा दिया और जो इक्वेशंस की फॉर्म बन रही है वो ये आपके सामने है। तो ये था थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हमने देखनी थी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगी। तो अब हम आगे एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस हमें डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, तीन पार्ट्स हैं इसके, जिसमें से हम एक दो पार्ट्स देख लेते हैं ताकि आपको उसका समझ आ जाए मेथड क्या है, किस तरह से फाइंड करना है अभी। लेकिन इस चीज़ को आपने नोट करना कि अभी यहाँ पर हमें नहीं कहा गया कि डेल्टा वाई जो है वो कॉन्ग्रेंट है डी वाई के, या फिर डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है, अब ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं डेल्टा वाई और डी वाई, लेकिन बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस होता है, वो स्मॉल जो है वो यानी कि चेंज होती है इसमें। तो अब यहाँ से हम वैल्यूज़ भी फाइंड करके देखते हैं कि इसमें चेंज होती कितनी है असल में, ठीक है। तो चलें, पहला पार्ट जो हमें गिवन है उसमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और साथ में कहा गया है केस गिवन है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.1,
3.02, यानी कि x में चेंज हमें गिवन है कि x चेंज हो रहा है 3 से 3.02 के, ठीक है, और साथ में हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से देखें x चेंज हो रहा है 3 से 3.02 का मतलब क्या है, चेंज इन x क्या होता है, बहुत स्मॉल चेंज है आपके सामने नज़र आ रहा है कि 3 से 3.02 एक बहुत स्मॉल चेंज है, ठीक है। तो स्मॉल चेंज को क्या कहा जाता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, उससे पिछले लेक्चर में भी देखा, डेल्टा एक्स से उसको डिनोट किया, यानी कि एक्स में चेंज जो है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स जो है बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करके, ठीक है। तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.02 माइनस 3, यानी कि 0.0 क्या आ जाएगा 2, 0.02 इक्वल आ गया डेल्टा एक्स के, और डेल्टा एक्स हमें पता है कि डी एक्स के इक्वल है, डेल्टा एक्स किसके इक्वल है डी एक्स के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.02 इज इक्वल टू डी एक्स। अच्छा, ये डी एक्स मैंने फाइंड क्यों किया, हमें तो पूछा नहीं गया डी एक्स फाइंड करने के लिए, डी एक्स हमने फाइंड इसलिए किया क्योंकि आगे आपको यूज़ करना पड़ेगा, डी एक्स की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलें आप फाइंड करते हैं डी वाई और डेल्टा वाई, तो आपको समझ आएगी कि डी एक्स मैंने क्यों फाइंड किया पहले। चलिए पहले डी वाई फाइंड करते हैं, डी वाई किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें इक्वेशन गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि चलें डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो हमें तो चाहिए डी वाई, तो डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। डी वाई किसके इक्वल आ गया 2x इंटू डी एक्स के, या फिर आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे जो आपके पास इक्वेशन थी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखी, डी वाई इज इक्वल टू होता है f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स के, ठीक है। तो f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल है, डेरिवेटिव आप देख लें 2x के इक्वल है, तो चलें इसकी जगह हम 2x पुट कर देते हैं, साथ में dx है तो dx ही रहेगा, डी वाई इज इक्वल टू आ गया 2x इंटू डी एक्स, दोनों तरीके से ये सेम वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ से आप देखें, अब आपको यूज़ करना पड़ा ना, यानी कि अब आपको चाहिए होगा डी एक्स की वैल्यू, इसीलिए मैंने पहले डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है, जो कि क्या है 0.02, बल्कि 3.02 नहीं है, यहाँ से हम चेंज करते हैं, बल्कि ठीक है 3.02 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 0.02 इसमें पुट कर देते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास डी वाई की वैल्यू क्या आती है 2 इंटू एक्स। अब एक्स क्या है, व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3, मतलब कि एक्स पहले 3 था तो 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 ये बन गया 2x, और साथ में dx है 0.02, ठीक है। तो ये इक्वल है किसके, डी वाई के। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इक्वल आ जाएगा 0.12 के, डी वाई इज इक्वल टू 0.12, ठीक है। तो डी वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई किस तरह से आएगा, देखें शुरू में हमें जो गिवन है केस वो क्या है, व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, मतलब कि चेंज इन एक्स आया ना, तो फॉर चेंज, चलें डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, फॉर चेंज डेल्टा एक्स, किस में चेंज आया इन एक्स, तो क्या होगा, जो हमें इक्वेशन गिवन है, यानी कि इक्वेशन विल बिकम, या इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन में क्या गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वाई इज इक्वल टू एक्स में चेंज आया ना डेल्टा एक्स का, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है या प्लस 1 है, माइनस 1 है। जब एक्स में चेंज आया तो लाजमी बात है वाई में भी चेंज आएगा,
जो कि होगा वो डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई के लिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वन और माइनस वाई, वाई भी मैं राइट साइड पे ले आया। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई। वाई अब किसके इक्वल है? वाई हमारी इक्वेशन जो गिवन उसको हमें उसी में बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करेंगे? ये स्क्वायर ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू भी है, यानी कि डी एक्स आप इसे कह सकते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी है, तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे और अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा वाई की, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? ऊपर देखते हैं, हमने फाइंड किया था डेल्टा एक्स ये 0.02 पे, ठीक है, यानी कि 0.02 इसमें पुट करते हैं 0.02 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स क्या लिया था हमने? एक्स 3 है, ठीक है, एक्स 3 है, और फिर डेल्टा एक्स आ गया 0.02। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाती है 0.1204, और डी वाई हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डी वाई हमारे पास आया था 0.12, ठीक है, आप ऊपर भी देख सकते हैं ये हमने फाइंड किया था डी वाई 0.12। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। डेल्टा वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू 0.1204 माइनस 0.12, तो 0.1204 माइनस 0.12 ये आता है 0.0004 का डिफरेंस है, 0.0004 मतलब इतनी स्मॉल वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। डेल्टा वाई और डी वाई में ये डिफरेंस आता है आपके सामने है। तो इस तरह से हमने डी वाई फाइंड किया और डेल्टा एक्स फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहा गया है यूजिंग डिफरेंशियल्स, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाय डी एक्स एंड डी एक्स बाय डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, हमें इक्वेशंस गिवन है, चार पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। पहला पार्ट मैं लिखता हूँ, पहला पार्ट है उसमें इक्वेशन गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। इसमें हमने फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स और साथ में फाइंड करना है डी एक्स बाय डी वाई। डी वाई बाय डी एक्स क्या चीज़ है? अब से पहले हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम डेरिवेटिव लें फाइंड कर लें, लेकिन नहीं, हमें कहा गया है यूजिंग डिफरेंशियल्स, आपने डेरिवेटिव्स नहीं यूज़ करने, डिफरेंशियल्स यूज़ करने डी वाई और डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल्स यूज़ करते हुए आपने ये फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स, और डी एक्स और डी वाई दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि इस लेक्चर में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल्स के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी की है, ठीक है।
तो आप ये खुद से ट्राई करें जब तक नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड नहीं होता, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सॉल्व कराऊंगा, लेकिन तब तक आपने ये खुद से सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। अगर ना हुआ तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करना ही है, तो उसमें वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अभी इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो चुका है, तो ये लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं।